अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के अवसर पर विधायक सचिन बिरला और महिला बाल विकास के सहयोग से श्री रेवा गुर्जर धर्मशाला ग्राम डुडगांव में विकास खंड स्तरीय विशाल मातृशक्ति सम्मान समारोह रविवार को संपन्न हुआ, जहां कार्यक्रम के पूर्व विधायक सचिन बिरला ने महिलाओं का पुष्प गुच्छे से स्वागत किया, जिसके बाद निजी और सरकारी क्षेत्र में अपने कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन कर रही लगभग 150 महिलाओं और गरीब असहाय दिव्यांग जनों के उत्थान में जुटी सामाजिक संस्थानों की जागरूक महिलाओं को प्रशंसा पत्र और शील्ड देकर सम्मान किया गया। खरगोन जिले के ग्राम बेड़िया स्थित दूडगांव में एक दिवसीय महिला दिवस का आयोजन हुआ, जहां विधायक सचिन बिरला ने कहा कि विश्व महिला दिवस पर मातृशक्ति सम्मान समारोह का उद्देश्य सामाजिक उत्थान की दिशा में सक्रिय और अग्रणी महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। नारी ही शक्ति का स्वरूप है। आज हर क्षेत्र में नारी शक्ति की अहम भूमिका है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही थी। वहीं डॉक्टर हंसदा पाटीदार ने कहा कि आज महिला दिवस पर महिलाओं को विधायक सचिन बिरला ने सम्मानित किया है, यह उनकी बहुत ही सराहनीय पहल थी। वहीं बिरला ने मंच से कहा कि आज महिला दिवस पर महिलाओं को विधायक बिरला ने सम्मानित किया है, यह उनकी बहुत ही सराहनीय पहल थी। वहीं बिरला ने मंच से करीब 20 महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,18,000 रुपये के चेक वितरित किए। सनाओस से प्रभु दोगिया की रिपोर्ट। कई बच्चों को संस्था के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। नव्या मैडम है, वो भी अनाथ बच्चों की सेवा करती हैं। तिवारी मैडम है, वो भी गरीब बच्चों की सेवा कर रही है। साक्षी जी है, वो भी गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। लायंस क्लब की हमारी अनिता भाभी है, वो भी लायंस क्लब के माध्यम से गरीबों की सेवा में लगी हुई है। ऐसे ही आप सब लोग भी अपने अपने कर्तव्यों का बड़ी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। और हम लोग भी, मैं अपनी विशेष रूप से बात करूँ, जितनी भी हमारे यहाँ पर बहने हैं जो सेवा में है, वो निर्भीक होकर काम करने का पूरा प्रयास करें। पूरी ताकत से हम लोग आपके साथ हैं। आप सबके कारण ही हम लोग यहाँ पर हैं। कोई माता का रूप है, कोई बहन का रूप है, इसी तरह का आप सब लोगों का सहयोग हमेशा हम लोगों को भी मिलता रहे। आज जो अवसर सम्मान का था वो आपके लिए बहुत छोटी हम लोगों ने व्यवस्था की है। समय आने पर इस विधानसभा में नारी शक्ति को आगे लाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत अधिक समय ले लेते हुए आप सबको भी बहुत जोरों की भूख लगी थी, कहीं हमारी बहनें खाना खाने चली गई, बच्चे छोटे छोटे हैं। महिला दिवस के अवसर पर बहुत कम समय में मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर महिला अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें सहयोग दें, इसमें हमारी एवं हमारे परिवार की उन्नति में किसी प्रकार से बाधा न हो। हम मिलकर हमारे बच्चों का भविष्य देखें कि हमारे बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास करें, उनको किस प्रकार से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संपूर्ण विधानसभा से करीबन 5 से 6 हज़ार हमारी माताओं बहनों के सम्मान का अवसर था, और आज हम सब लोगों ने मिलकर उनका सम्मान किया है, जिसमें 150 से